गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुंदरगढ़ वर्चुअल स्टूडियो रु मु नीतु साहू लंबोदर गवर्नमेंट हाई स्कूल कुंडुकेलार साइंस टीचर आपण मानकु एही वर्चुअल लाइव क्लास को स्वागत करुछि। पिला माने आज आम तुमर लाइफ साइंस रो गोटे एमिती टॉपिक आलोचना करबा को जाउछि, जो टॉपिक टा तुम्हें आर्ट क्लास रे पढ़ी सारी छ, नाइन्थ क्लास रे भी पढ़िब, टेन्थ क्लास रे भी तार किछ अंश पढ़िब, एवं जदि हायर एजुकेशन जदि तुम्हें बायोलॉजी नै कि करूछ हेले तुमर कोष निहाती तुम्हें पढ़िब। तो कोष ही होची हमर आजर टॉपिक, कोष और कोष अंगिका। तुम्हें क्लास एट रे पिला माने कोष विषय रे बहुत धारणा पाई जाई छ, कोष कौन, कोष किए आविष्कार करथिले, कोषर आकार, कोषर आकृति, तापरे तुमर कोषर गठन संबंध रे भी सम्यक धारणा पाई छ। किंतु कोष अंगिका विषय रे जेहेतु तुम्हें किछि पढ़ी नाह, सेटा क्लास नाइन्थ रे पढ़ीबा को जाउ छ, तो आम क्लास एट रे जहाँ पढ़ी छ एवं क्लास नाइन रे जहाँ पढ़ीबा को जाउ छ ताकु बेस करिकरि आम आज ए आलोचना को करिबा। तो आलोचना को हमर आगे नबा पई पिला माने चलो स्मार्ट बोर्ड आड़ को जिबा। पिला माने तुमर स्मार्ट बोर्ड रे दुईटी पिक्चर तुम्हें देखा पाथ, गोटे बाम आड़े अच्छी आ डाहण आड़े है, बाम आड़े कि जीव मानकर चित्र अच्छी, मनुष्य अच्छा, गच्छ अच्छी, तुमर मशरूम अच्छी है, आउ विभिन्न प्रकार जीव मैंने भी अच्छा। आउ डाहण आड़े देखा पाइब तुमर फैन अच्छी, बल अच्छी, बुक अच्छी, पेन अच्छी, बाइसाइकल अच्छी है, एमती चित्र तुम्हें देखा पाच। तो ये दुईटी चित्र रे पार्थक्य भी तुम्हें जापार जे एम जीव मैने सजीव, एम को आम सजीव बोली कह, एमानंकर जीवन अच्छी, एमाने हेले निर्जीव काहीकि एमानंकर जीवन नाही। सजीव काहीकि एमानंकु कहिबा एमानंकर जीवन अच्छी बोली आमे केमती जानिबा ना, एमाने कोन करिवे, एमाने होचंती सजीव, एमाने होचंती निर्जीव, एमाने श्वासक्रिया करि पारंती, परिपाक करंती, एमानंकर वृद्धि ओ विकास हेथाय, एमाने आउ कोन करि पारंती, प्रजनन करि पारंती, चलाबुला करी पारंती, हला रेचन करी पारंती, जोटा कि निर्जीव माने करी पारंती नाही। तो जो एई श्वासक्रिया करी पारुछंती, परिपाक, रेचन, एगुडा को कौन, एगुडा को हुची गोटे गोटे जीवन प्रक्रिया। आउ एई जीवन प्रक्रिया गुडी को सजीव माने ही कहीं की करंती, कहीं का ना से मानंकर शरीर अंग गुड़ा को लेकर गठित होते अंग को लेकर गठित होंग गुड़िक गठित होशरु है। तो कोष रु जो अंग गठन हो अंग गुड़िक जो अंग यही जीवन प्रक्रिया गुड़िक सजीव मैंने पारती निर्जीव मैंने पारती ना। देख गोटे चित्र देखु एटारे गोटे घर अच्छी है, घर केमती या पाने केतेक रूम को नहीं तैयारी हुए, कोठरी बा रूम गुड़ी को जोड़ी जोड़ी करी गोटे घर तैयारी हुए, सेपरी रूम गोटे केमती तैयारी हुए, केतोटी कांथ को जोड़ी करी आमे गोटे रूम तैयारी करी परिबा, कांथ केमती तैयारी हुए, ईटा रु तैयारी हुए, ईटा ईटा जोड़ी कांथ तैयारी हुए, माने ईटा को जोड़िले कांथ तैयारी हला, कांथ को जोड़िले रूम बा कोठरी तैयारी हला, एवं कोठरी रु घर तैयारी हला। ठीक सेपरी तुमर जीव मानक शरीर से प्राणी हो किंबा उद्भिद हूँ, प्राणी मानक शरीर भी तुमर कोष रु गठित, आ उद्भिद मानक शरीर भी उद्भिद कोष रु गठित। तो प्राणी मानक शरीर केतेक अंग को लेकर गठित हुए, अंग केतेक प्राणी टीस्यू द्वारा गठित हुए, एवं प्राणी टीस्यू केतेक प्राणी कोष द्वारा गठित होता है, माने केतेक प्राणी कोष मिसी गोटे प्राणी टीस्यू गठन करती, गोटे टीस्यू जोटा कि समान प्रकार कार्य गठन समान थी से मिसी गोटे अंग गठन करती, अंग माने मिसी मनीष शरीर गठित हुए। ठीक से उद्भिद मानक शरीर विभिन्न अंग गुड़िक कौन कौन, पत्र, कांड एवं चेर है, पत्र, कांड, चेर, एटा हूँ उद्भिदर विभिन्न अंग। तो ये उद्भिदर विभिन्न अंग क्या नहीं गठित होमर उद्भिद टीस्यू को नहीं गठित होस्यू कहले कौन केतेक कोष, केतेक उद्भिद कोष, जेहेतु उद्भिदर से केतेक उद्भिद कोष जो मानक गठन सामान थी सामान कार्य करें गोटे ग्रुप कौन कहती गोटे टीस्यू गठन करती, आउ से टीस्यू रु
अंग गठन होता है, अंग रु उद्भिद शरीर गठन होता है। तापर पिला माने कोषर आविष्कार तुम क्लास 8 रे पढ़ी छ, कोष किए आविष्कार करथिले जानी छ हला। 1665 मसीह रे कोष आविष्कार करथिले वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक हला। केमती आविष्कार कले देखो, एटा कोन, एटा होची गुटे जबकाच, जबकाच समस्त देखी थिबो हला। जबकाच काही की व्यवहार हुए तुमरो बही पढ़ले पढ़िबा पई पेपर पढ़िबा पई, काही किना जबकाच रे अक्षर गुडा को टिके बड़ देखा जाए हला। तो जब काच व्यवहार करा जाए ए जो बही न्यूज पेपर ए सब पढ़ा पई। किंतु जदि आमे गोटे गछ को काटि के आनिबा, खंडे तार कांड को काटि के आनिबा, आमे जब काच रे जदि देखिबा हला, हेले कोनोसी कोष आमे देखि परिबा नहीं। काहे के ना ए जब काच रो जो मैग्निफिकेशन पावर बा परिवर्धन रो मात्रा होची केवल 20x, माने 20 गुण ही से ताको बढ़े पारिबो हला। तो सेथिरे कोनोसी कोष तुमे देखिबा को पाइबो नहीं। हेले आमे आजिकाल तो आमे माइक्रोस्कोप व्यवहार करूछ, समस्त स्कूल रे माइक्रोस्कोप अछि नहीं, एटा होछि माइक्रोस्कोप समस्त देखि थिबो हला। एटा आमे स्कूल रे व्यवहार करूछ कोष देखिबा पई। किंतु रॉबर्ट हुक कोन कले, से निजर गोटे माइक्रोस्कोप ते तयारी कले हला, जटिल माइक्रोस्कोप, एटा होछि हुक्स माइक्रोस्कोप, एटा से निजे तयारी कले। आ सेथिरे कोन कले, गोटे कॉर्क गछर खंडे काटिकि ताकु से माइक्रोस्कोप रे देखिले, हेले से देखिले जे ए कोष गुडा को केमती थिला, जेमती मोहुफेणा, मोहुफेणा तो समस्त देखिथिबो, मोहुफेणा जेमती देखा जाए कोठरी कोठरी, तेमती से कॉर्क रो कोष गुडा को एमती कोठरी कोठरी देखिबा को पाइले। एटा होची तंकर से ऑब्जर्वेशन ता ना, तो मोहुफेणा परी एटा देखा जाउथला। आ से प्रत्येक कोठरी को, ए जो कोठरी गुडा को थिला, ए कोठरी गुडा को एमती जो कोठरी गुडा को अछि, से कोठरी गुडा को से ना देथिले कोष ला, ए कोठरी रा नाम से देथिले कोष। आ ए कोषटा जो से पाइले सेटा थला सब मृत कोष, मृत कोष माने ए कोठरी गुडा को खाली थला, सेथिरे कोनसी आदि प्ररस बा प्रोटोप्लाज्म सेथिरे नथिला, खाली थला। तो सेटा मृत कोष से पाइले कॉर्क रु हला। नेक्स्ट तांको परे एंटोन वन एंटोन वैन लीवेनहुक, से कोन कले 1674 मसीहारे जीवंत कोषर आविष्कार कले। 1674 मसीहारे से जीवंत कोषर आविष्कार कले, रोहित लप्त कणिका बीजाणु एगुडाक से जीवंत भाव आविष्कार करथिले। आ एटा तांकर द्वारा तयारी करा जैथिबा गुटे माइक्रोस्कोप ना। तापरि पढ़िबा जीव मानकर कोष संख्या, जीव मानकर कोष संख्या बि पढ़िछ देख, एटा गुटे बड़ घर, एटा गुटे छोट घर हला। तो बड़ घर तयारी करबा पई भी इटा दरकार, आ छोट घर भी तयारी करबा पई इटा दरकार। किंतु जेहेतु घरटी बड़ अछि, तुमको बेसी परिमाण रे इटा दरकार पड़िबो। घर छोट थिले कम परिमाण रे इटा रे भी तयारी हे जीवो। ठीक सेई परी एटा गोटे हाथी रो चित्र, आ एटा गोटे पिंपुड़ी रो चित्र हला। हाथी नि हाथी बड़ जीवो हला, आ पिंपुड़ी बहुत छोट। तो हाथी रो कोष संख्या निहाती अधिक थिबो पिंपुड़ी अपेक्षा, जेहेतु हाथी रो आकार बहुत बड़, माने आकार बड़ जदि अछि हेले कोषर संख्या भी बेसी हेबो। आ एमाने कौ कोषरे तयारी, जेहेतु एमाने आमर प्राणी, तो एमानकर एमानकर देहरे कोन प्राणी कोष अछि। ठीक सेइ पर एटा देख, गोटे बर गछ, बहुत विशाल बर गछ हुए, आ एटा गोटे छोट सदाबिहारी गछ हला। तो एई गछरे बेसी कोष थिबो ना, एई गछरे कोष संख्या कहार बेसी थिबो, निहाति बर गछर थिबो हला। त सेटा बहुत बड़ विराट काय गछ, तो सेटा कोथिरे तयारी, उद्भिद कोष रे तयारी। पिला माने एटा चित्र तुमे क्लास 8 रे देखि थिबो, एहा कहार चित्र, ए आउची एमीबार चित्र। एमीबार गुटे विशेषत्व भी तुमे पढ़ि थिबो, जे एमीबा निजो इच्छा अनुसार निजरो आकार परिवर्तन करी पारे ना, तार कौन सी निर्दिष्ट आकार नाही, से जेमती चाहिबो तार शरीर रो आकार को परिवर्तन करी पारे। एटा देखुछ, एटा होची पारामेसियम, पारामेसियम केमती देखिबा को चप्पल परी, तार आकार होची चप्पल सदृश हला। आ एटा होची बीजाणु कोष हला। तो ए तीनोटी कोष तुमे क्लास 8 रे तुम बही रे थिला देखिथिबो हला, एमाने हेले एक कोषी जीव हला। कोषर संख्या को बेस करी कोष मानंकु दुई भाग रे विभक्त करा जाय, प्राणी मानंकु जीव मानंकु दुई भाग रे विभक्त करा जायछि, एक कोषी जीव एवं बहु कोषी जीव।
तो जेउ मानक जिंते नामरु जणा पडछि एक कोशी माने गोटिए कोशरे गठित होइतिबो तो ए जो एमीबा पारामेसियम बीजाणु एमानक शरीर गोटिए कोशरे गठित सेतिमै एमाने हेले एक कोशी जीव ठीक से परी बहु कोशी जीव ला बहु कोशी माने एक रु बेसी एकाधिक कोशरु जहा जो जीव मानक शरीर गठित से मानक कहुए बहु कोशी जीव ए सब उच्च श्रेणी प्राणी और उद्भिद माने आसिबे बहु कोशी जीव रे। अच्छा एक कोशी जीव और जीवन प्रक्रिया एटा गोटे एमिबार चित्र यह हूँ एक कोशी जीव तार शरीर ही गोटे कोशरे गठित है तो एम गोटे कोषर जेहेतु एम शरीर गठित एमने से गोटे कोषरे खाद्य ग्रहण भी करती श्वासक्रिया भी करती रेचन भी करती वृद्धि प्रजनन भी करती परिपाक भी करती सब गोटे कोषरे है जीवन प्रक्रिया एमने भी जीवना जीवन प्रक्रिया तो एमान शरीर भी चलुची किंतु गोटे कोषरे जेहेतु एम शरीर गठित सब से गोटे कोषरे ही जाए हेले जदि गोटे कोषरे सब जीवन प्रक्रिया करिबा जदि पॉसिबल होउची हेले काहीकि बहु कोशी जीव मानक एत गुड़े अंग संस्थान दरकार पड़ुची हेला गोटे कोषरे तो सब हो जाउची देख कहीं गोटे एग्जांपल नबा तुम्हें जितेबले तुम विद्यालय कौन सी फंक्शन हुए कि पूजा सेरेमोनी हुए हेला तो तुम कौन हुए ना काम टी भाग भाग कर दि जाए हेला जणे डेकोरेशन रे रहिबे किए प्रसाद बंटन रे रहिबे किए सफा सुतरा कार्य करिबे तेंती कार्यटा बंटन ही गले कोन हुए ना सेटा सहज रे सुरुखुरु रे कामटी समाहित हुए जदी सेटा गोटे एका गोटे पर्सन को दिया जांता गोटे पिला जणे एका कर कहंते हेले समस्त को माने से कामटा लेट भी होंता आ ठीक रे हब भी नाही तो सेथिपई कहउछे ना बहु कोशी जीव मानक तो बहुत गुडी कोष अछि प्राय एक ट्रिलियन कोष थाए मनीष शरीर है एक ट्रिलियन माने एक लक्ष कोटी कोष आम मनुष्य मान शरीर थाए तो एते गुड़े जो कोष अच्छी समस्त समान काम करती भी ग्रुप अच्छी गोटे माने जो माने समान काम करती गठन सामान थाए से गोटे ग्रुप कर दि जाए हूँ टीसु है तो एमती बहुत प्रकार टीसु भी अच्छा तो टीसु टीसु नहीं तुमर अंग गठन हुए अंग रु एमती अंग संस्थान माने गठन होता है परिपाक श्वसन तंत्र परिपाक तंत्र श्वसन तंत्र रेचन तंत्र नियंत्रण समन्वय तंत्र एमती गठन होता है एमाने निज निज काम करती परिपाक तंत्र रे कौन हुए खाद्य आम जहाँ खाऊ खाद्यटा हजम हो आम शरीर में नियोजित हुए श्वसन आम श्वासक्रिया जो वायु ग्रहण कर अम्लजान कौन करे आम जो खाद्य को आम खाऊ खाद्य को दहन कर शक्ति उत्पन्न करे से श्वसन प्रक्रिया रेचन आम शरीर रु जो वर्ज्य वस्तु निष्कासन हुए है नियंत्रण समन्वय सबुथर मेन मुख्य अंश हूँ आम ब्रेन जहाँकि आम शरीर सब अंग को से कंट्रोल करे नियंत्रण करे है तो यही जो अंग संस्थान ये जो अंग संस्थान मान अच्छा से मैंने निज काम को सुरखुरु करती फल आम शरीर टा ठीक भावे सुस्थ सबल भावे चली थाए पढ़ा कोषर आकृति है तो बहुत प्रकार कोष आम शरीर में देखा मिले है ये देख रेड ब्लड सेल लोहित रक्त कणिका है जहार आकार देख टे गोलाकार चेंज भी हुए कलमनार एपिथेलियल सेल है जो आम पाकस्थल भीतर अंश थाए आटा देख कलम कलम हो एमती कलम कलम हो गोटे हूँ ओभम सेल जोटा राउंड सेप्र अच्छी आ गोटे स्मूथ मसल सेल ना मसल सेल जो अच्छी आमर एटा ताकुड़ी सदृश यार आकार केमती ताकुड़ी सदृश ए दुई पटटा तार प्रांत मुनिया आ मझी अंशटा ओसारिया होटा हूँ तुमर नर्व सेल बहुत दीर्घतम कोष है आम शरीर रहा नर्व सेल न्यूरॉन सेल है एटा बोन सेल एटा भी राउंड शेप थाए आउ स्पर्म सेल एगुड़ाक हूँ तुम कि मानने कोषर आकृति एटा तो विषय जाणी छा कौन एटा एमिबा एमिबा कोष एमिबार गोटे स्पेशियाल क्यारेक्टर अच्छी तार शरीर को से निज मन इच्छा परिवर्तन करी पारे तो सी कौन करे ना जिते बेले कौन सी
खाद्य सम्मुख रे आसे पाखक आसे सी कौन कै शरीर रु दुईट प्रबर्ध बाहर कर दिए। देख केमती बाहर प्रबर्ध हला प्रबर्ध बाहर कर दबो आ प्रबर्ध टी जेते बेले दुईटा मिसी जीव सेते बेले कौन हम से जो खाद्यटा ता भीतर को चली जीव खाद्य निधान को आउ एटा पुणी अदृश्य हो जीव सिडो पड़िया ताकू कहंती सिडो पड़िया बा कुट पाद एटा होची कुट पाद हला कुट पाद बा क्षण पाद भी कहंती इंग्लिश रे ताकू सिडो पड़िया कहंती कुट पाद एथि पई कहंती काहे ना सेटा क्षण आसे हला जेते बेले खाद्य आसीबो खाद्य को से ग्रहण कला परे सेटा पूर्णी अदृश्य हो जाए सेति पई तार नाम हला कुटपाद। तापर देख एटा होची गुटिए प्याज रो कोष प्याज रो ऊपर छाली को जदी तुम्हें काढ़ी आनिबो हला आ पतला छाली ता जो आ ताकू जदी तुम्हें साफ्रानिन बा स्टेन दे करी ताकू जदी माइक्रोस्कोप रे देखिबो हले एमपी कोष गुडा को तुम्हें देखिबा को पाइबो जदी क्लास 8 रे प्रैक्टिकल करी ना हेले क्लास 9 रे निहाती करिके एटा देखिबो हला। तो प्याज रो कोष रे तुम्हें देखिबो दुईटी स्तर एठी दुई स्तर अछि हला दुईटी स्तर अछि तार झिल्ली आ एटा होची तुम्हारा गाल भितर जो कोष बाहर करा जाए हला बाहर करिके जदी माइक्रोस्कोप रे देखिबो हेले एमपी कोष गुडा को तुम्हें देखिबा को पाइबे एहर गोटिए मात्र आवरण अछि हला एठी दुईटी स्तर अछि एहर गोटिए ही स्तर अछि सेटा नेक्स्ट इयर रे पढिबा। तापरे पढ़ा कोषर आयतन है कोषर आयतन मानने कोषर सैज के बड़ के सान कोष थाए देख कोष रो आयतन को आम नानोमीटर में मापी पार माइक्रोमीटर में मापी पार मिलीमीटर में भी मापी पार तो नानोमीटर वन नानोमीटर हूँ वन बाय टेन लेख मिलीमीटर वन माइक्रोमीटर हूँ वन बाय थाउजेंड मिलीमीटर आ वन मिलीमीटर हूँ वन बाय थाउजेंड मीटर है। तो आम शरीर में प्राणी शरीर में मनुष्य शरीर में जो क्षुद्रतम कोष तुम क्षुद्रतम कोष हूँ आमर ओभम सेल आ सबुठ दीर्घतम कोष हूँ स्नायु कोष किंतु जदि पूरा पृथ्वी आम देखा जदि कौटा सबुठ क्षुद्रतम कोष हेले हूँ बैक्टेरिया कोष जोटा हूँ माइक्रोप्लाज्मा से बैक्टेरिया रो नाम हूँ माइक्रोप्लाज्मा जहार साइज हूँ 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर बहुत छोट से हला आ सबुठ बड़ जदि बृहत्तम कोष जदि कहिबा हेले सेटा हूँ ओट पक्षीर अंडा जोटा हूँ 170 into 130 मिलीमीटर ओटपक्षीर अंडा हूँ बृहत्तम कोष आउ माइक्रोप्लाज्मा बा गोटे बैक्टेरिया अटे माइक्रोप्लाज्मा ता हूँ तुम सबुठ क्षुद्रतम कोष। देख एटा हूँ ह्यूमन एग सेल मनुष्य शरीर जो एग सेल थाए 0.12 मिलीमीटर तार साइज अटे किंतु गोटे ओटपक्षीर अंडा रो साइज हूँ 170 mm into 130 मिलीमीटर हला सेपरी पिला माने एठी तुम्हें देखी थो दुईटी पिक्चर देखु थो एटा हूँ ह्यूमन बी मनीष शरीर हार्ट सेल एटा हूँ मनीष शरीर हार्ट सेल हृत्पिंड जो सेल थाए आटा हूँ गोटे माउस बा मूसार हार्ट सेल तो उभय देख प्राय प्राय समान अच्छी कहीं मनुष्य आकार मूसार आकार ठार बहुत बड़ है आकार बड़ हो पारे आकार बड़ हेले कोषर संख्या बेसी हो पारे किंतु ता माने नुहे जे कोषर आकार भी बड़ हो कोषर आकार समान हो पारे टिके छोट बड़ हो पारे किंतु बड़ माने मनुष्य बड़ बोली तार कोषर आकार भी बड़ थी सेमती किसी नुहे है तार मनुष्य आकार बड़ तार कोष संख्या बेसी मूसार आकार छोट कोष संख्या कम किंतु उभयर जदि आम हार्ट सेल को कंपेयर करवा प्राय प्राय समान कहीं से सेम कार्य करती समान कार्य करती। तापर पढ़ा कोषर विभिन्न अंश कौन कौन अच्छी पिला मैंने दुईट चित्र देखु एटा हूँ तुम उद्भिद कोष एटा प्राणी कोष है उद्भिद कोष रे कौन कौन अच्छी कोष भित्ति अच्छी कोष झिल्ली अच्छी गल्गी बॉडी अच्छी क्लोरोप्लास्ट अच्छी वैक्यूल अच्छी माइटोकांड्रिया अच्छी साइटोप्लाज्म अच्छी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अच्छी न्यूक्लियस बा न्यष्टि अच्छी राइबोसोम अच्छी है प्राणी कोष रे भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अच्छी एठी भी अच्छी
कोष झेली उद्भिद कोष रे भी अच्छी प्राणी कोष रे भी अच्छी एठी भी कोष रस अच्छी एठी भी कोष रस अच्छी एठी भी कोष रस थाए हला एटा भी न्यष्टि अच्छी एथरे भी न्यष्टि अच्छी एटा भी न्यष्टि अच्छी एठी गल्गी पिंड अच्छी एठी भी गल्गी बॉडी बा गल्गी पिंड अच्छी हला एठी भी माइटोकांड्रिया अच्छी ए जगह रे भी माइटोकांड्रिया अच्छी हला उभय कोष रे तुम्हें सेटा देखिबा को पाइबो किंतु किछि जिंस अच्छी जोटा कि केवल उद्भिद कोष रे अच्छी प्राणी कोष रे नहीं जेमति तुम्हें देखिबो एटा होचि तुम्हार दुईटी स्तर उद्भिद कोष रे आवरण दुई स्तरीय अच्छी प्रथम स्तर टा होचि कोष भित्ति जोटा बाहर थाए आ भीतर अंश रे जो अच्छी सेटा होचि कोष सॉरी बाहर अंश टा होचि कोष भित्ति भीतर अंश टा होचि कोष झिल्ली भीतर अंश टा होचि कोष झिल्ली ए ऊपर अंश टा ए ऊपर अंश टा होचि कोष भित्ति आ भीतर आवरण टा होचि कोष झिल्ली किंतु ए कोष झिल्ली उभय कोष रे थाए प्राणी कोष रे भी थाए आ उद्भिद कोष रे भी थाए किंतु कोष भित्ति केवल उद्भिद कोष रे अछि प्राणी कोष रे देखिबा को पाइबो नाही हला तो उद्भिद कोष रे कोष झिल्ली उपरे आ गुटे मोटा आवरण थाए जहा को हमें कोष भित्ति बोली कहि थाउ तो कोष झिल्ली पिल माने उभय प्राणी कोष रे एवं उद्भिद कोष रे थाए हला प्राणी कोष रो बाहर आवरण कोष झिल्ली अटे किंतु उद्भिद कोष रे कोष झिल्ली उपरे आ गुटे मोटा आवरण अछि सेटा होची कोष भित्ति कोष जीवक बा साइटोप्लाज्म उभय कोष रे देखिबा को पाइबो एटा होची कोष भितरे थिबा गुटे तरल जेली भलिया पदार्थ जोटा कि न्यष्टि ओ कोष झिल्ली ए जो कोष झिल्ली आ न्यष्टि एटा न्यष्टि आ एटा कोष झिल्ली हला न्यष्टि आ कोष झिल्ली भितरे था एटा होची न्यष्टि आ एटा कोष झिल्ली ए भितरे जो तरल पदार्थ तुम्हें देखिबा को पाउछ चारियाडे जेली भलिया पदार्थ सेटा होची तमरो साइटोप्लाज्म बा कोष जीवक एई कोष जीवक रे ही तमरो सब कोष अंगिका माने भासमान अवस्था रे थांती कोन कोन कोष अंगिका थांती माइटोकांड्रिया थाए हला जोटा आमे देखिले गल्गी पिंड भी थाए राइबोसोम थाए लाइसोसोम थाए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी थाए ना तो एई कोष अंगिका गुडाक कोष जीवक रे भासमान अवस्था रे थांती तापरे न्यष्टि होची जेंती आमर मनुष्य प्राणी मानक शरीर रे मनुष्य मानक शरीर रे मुख्य अंश होची ब्रेन ना ब्रेन ही आमर शरीर रो समस्त कार्य को नियंत्रण करे जेते बेले मन कर एक्सीडेंट हेई गला आम ब्रेन जेते बेले डैमेज हे जाय आम शरीर पूरा अकर्मण्य हो जाय ना काहे कि ना शरीर रो समस्त कार्य को के कंट्रोल करची ब्रेन कंट्रोल करची तो ठीक से परी गोटे कोष रो समस्त कार्य को के नियंत्रण करे न्यष्टि नियंत्रण करे तो एहा होची जीवकोष रो मुख्य अंश पिला माने एटा होची गोटे उद्भिद कोष एटा होची गोटे प्राणी कोष तमे देखि पर्थ प्राणी कोष रे खाली गोटिए आवरण अछि एहा को कहंती कोष झिल्ली आउ उद्भिद कोष रे देखो एटा होची कोष झिल्ली एटा हैला कोष झिल्ली आ ता उपरे जे एटा मोटा गोटे आवरण देखि पर्थिबो ला एटा मोटा आवरण सेटा होची तमरो कोष भित्ति तो कोष झिल्ली पिला माने लिपो प्रोटीन रे तैयारी लिपो प्रोटीन माने लिपिड प्लस प्रोटीन लिपिड प्लस प्रोटीन लिपिड माने स्नेह सार प्रोटीन माने पुष्टि सार स्नेह सार ओ पुष्टि सार रे एटा गठित हेथाय ए जगह रे तुमने देखि परथबो एटा उटे जीआईएफ रे देखो एटा होची तमरो लिपिड अंश आ मझी मझी रे तुमने देखुथबो प्रोटीन गुडाक अच्छी एगुड़ाक हूँ प्रोटीन ए सब हूँ प्रोटीन आठा हूँ लिपिड रोटे स्तर है मझी मझे प्रोटीन गुड़ाक थाए तो ये जो कोष झिल्ली अच्छे से लिपो प्रोटीन रे तैयारी लिपिड और प्रोटीन रे तैयारी है कोष को निर्दिष्ट आकार दिए जमी तुम गोटे घर जिते बेले तैयारी कर गोटे जगह टे किला तुम कौन कह प्रथम बाउंड्री देव ना बाउंड्री कौन कै बाउंड्री घर टी सेफ रखे सुरक्षित रखे ना बाउंड्री जदि दे देल हेले किए भी तुम घर को प्रवेश करि परिबे नाही सहजरे तो बाउंड्री टा कोन पई दिया जाय घर को सुरक्षित करबा पई तो ठीक सेई परी ए जगह रे जदि तुम्हें देखिबो भितरे कोष भितरे जो कोष अंगिका माने अछंती कोष जीवक अछि
ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କିଏ ଦଉଛି? କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଦଉଛି। କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ହଉଛି ଗୋଟେ ଆବରଣ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘେରିକିରି ରହିଛି, ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖୁଛି। ତ କୋଷକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସୁରକ୍ଷା ବି ଦିଏ। କେ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି କୋଷ ଭିତରକୁ ଓ ବାହାରକୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରେ ହେଲା। ତ ଏଇ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଆଉ କଣ କରେ ଦେଖ, ଏ ଜିଆଇଏଫ ରେ ଦେଖ କିଛି ଅଣୁ ଗୁଡାକ ଅଛି, ଯେଉଁ ଅଣୁ ଗୁଡାକ ଏଇ କୋଷ ଭିତରକୁ କେମିତି ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଏଟା ହଉଛି ତମର କୋଷ ଝିଲ୍ଲି। ତ ଏଇ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଦେଇ କେତେ କଣ ଜଳ ଅଣୁ, ପୋଷକ, କିଛି ପୋଷକ ଲବଣ ଅଣୁ ଗୁଡାକ ଏଇ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଦେଇକି କୋଷ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଅଣୁ, ବଡ ବଡ ଅଣୁ, ସବୁ ଅଣୁ ଗୁଡାକ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଆଲାଉ କରେ ନାହିଁ କୋଷ ଭିତରକୁ ପଶିବା ପାଇଁ। ସେ ବାଛି ବାଛି କିଛି ଅଣୁ ଗୁଡିକୁ ପଶିବାକୁ ଦିଏ କୋଷ ଭିତରକୁ। ତେଣୁ କୋଷ ଝିଲ୍ଲିକୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ପାରଗମ୍ୟ ଝିଲ୍ଲି ବି କୁହାଯାଏ, ଅର୍ଦ୍ଧ ପାରଗମ୍ୟ ବା ସେମି ପର୍ମିଏବୁଲ ମେମ୍ବ୍ରେନ ବି କହନ୍ତି, ଅର୍ଦ୍ଧ ପାରଗମ୍ୟ ଝିଲ୍ଲି ବି କହନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସବୁ ଅଣୁକୁ, ସବୁକୁ, ସବୁ ପଦାର୍ଥକୁ ସେ କୋଷ ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ସେ ବାଛି ବାଛି କିଛି ଜଳ ଅଣୁ, ଯେମିତି ଜଳ ଅଣୁ, କିଛି ପୋଷକ, କିଛି ଲବଣକୁ ସେ କୋଷ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଦେଇଥାଏ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅର୍ଦ୍ଧ ପାରଗମ୍ୟ ଝିଲ୍ଲି। କୋଷଭିତ୍ତି, କୋଷଭିତ୍ତି ତ ଜାଣିଲ, କୋଷଭିତ୍ତି କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ଥାଏ, ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ ନାହିଁ, ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ କୋଷଭିତ୍ତି ନାହିଁ ହେଲା। ତ କୋଷଭିତ୍ତି କେମିତି ତିଆରି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ, ସେଲ୍ୟୁଲୋଜ ଓ ହେମି ସେଲ୍ୟୁଲୋଜରେ ତିଆରି ହୁଏ କୋଷଭିତ୍ତି। ଆଉ ଏହା କୋଷକୁ ଆକାର ଦୃଢ଼ତା ପ୍ରଦାନ କରେ ହେଲା। ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଯେ ଗଛ ଗୁଡିକ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଫିକ୍ସ ହେଇ ରହିଥାନ୍ତି, ସେ ଝଡ଼, ତୋଫାନ ହଉ, ବର୍ଷା ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ, ତାପମାତ୍ରା ଯେତେ ଅଧିକ ଥିଲେ ବି ସେମାନେ ଆମ ପରି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପରି ତ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଫିକ୍ସ ରହିବେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସହିବାକୁ ଅଛି, ଝଡ, ତୋଫାନ, ବର୍ଷା ସବୁ ସହିବେ ସେମାନେ। ତ କେମିତି ସହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ତା କିଏ ଦିଏ? ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ମାନେ ନଇ ଯିବେ କିନ୍ତୁ ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି ନାହିଁ ଗଛ ଗୁଡାକ। ତ ସେ ଦୃଢ଼ତାଟା କୋଉଠୁ ପାଆନ୍ତି? ସେମାନେ କୋଷ ଭିତ୍ତି ଥିବା ଯୋଗୁଁ, ତାଙ୍କ କୋଷରେ କୋଷ ଭିତ୍ତି ଅଛି ଯୋଉଟା ସେଲ୍ୟୁଲୋଜ ଓ ହେମି ସେଲ୍ୟୁଲୋଜରେ ତିଆରି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଦୃଢ଼ ଥାନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ଏଇ କୋଷ ଭିତ୍ତିଟା ପିଲାମାନେ ତିନିଟି ସ୍ତର ବିଶିଷ୍ଟ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରାଥମିକ ଭିତ୍ତି ବା ପ୍ରାଇମେରୀ ସେଲ୍ ୱାଲ, ମଧ୍ୟ ପଟିକା ବା ମିଡିଲ ଲାମେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟକ ଭିତ୍ତି ବା ସେକେଣ୍ଡେରୀ ସେଲ୍ ୱାଲ। ତ ଏଇ ତିନୋଟି ସ୍ତର ଥାଏ କୋଷ ଭିତ୍ତିରେ। ତାପରେ କୋଷ ଜୀବକ ହେଲା ପିଲାମାନେ, କୋଷ ଜୀବକ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, କୋଷ ଜୀବକ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ନା ନ୍ୟଷ୍ଟି ଆଉ କୋଷ, ଏଇଟା ନ୍ୟଷ୍ଟି, ଏଇଟା ହଉଛି ନ୍ୟଷ୍ଟି ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି କୋଷ ଝିଲ୍ଲି। ନ୍ୟଷ୍ଟି ଆଉ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅର୍ଦ୍ଧ ତରଳ ଜେଲି ଭଳିଆ ପଦାର୍ଥ ଥାଏ ତାକୁ କହନ୍ତି କୋଷ ଜୀବକ ବା ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ। ଆଉ ଏଇ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ଉଭୟ କୋଷରେ ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମରେ କଣ ଥାଏ, ବହୁତ ଗୁଡ଼େ କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ହେଲା, ସେମାନେ ଏମିତି ଭାସୁଥାନ୍ତି। ନ୍ୟଷ୍ଟି ତ ମୁଖ୍ୟ ଅଟେ, ତମେ ଜାଣିଥିବ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୁଏ ଜଣେ ଲିଡର ଥାଏ ଆଉ ସେ କଣ କରେ, ଗ୍ରୁପ ଗ୍ରୁପ କରିକି ବାଣ୍ଟି ଦିଏ କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେ ତୁମେ ଇଏ କାମ କର, ଇଏ କାମ କର, ଏମିତି ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି। ତ ଏମାନେ ସେ କାମ କରନ୍ତି, ଏମାନେ ସବୁ କାମ କରନ୍ତି ଆଉ ନ୍ୟଷ୍ଟି ସବୁକୁ ତଦାରଖ କରେ ହେଲା। ସେ ହଉଛି ଲିଡର, ନ୍ୟଷ୍ଟି ହଉଛି ଲିଡର ଆଉ ବାକି ଅଙ୍ଗିକା ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମେମ୍ବର ହେଲା। ତ ଏଇ କୋଷ ଜୀବକ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗିକା, କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କୋଷ ପାଇଁ ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କିଏ କରେ, ନ୍ୟଷ୍ଟି କରେ। ନ୍ୟଷ୍ଟି ତମର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥାଏ, ତମର ପଢିବା ସେଟା ପଛେ କୋଉ କୋଉ କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ଅଛି ପ୍ରଥମେ ସେଟା ଆମେ ଦେଖିନେବା ପିଲାମାନେ। ଏଇ କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଗୋଟେ କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା, ଚିତ୍ର ମନେ ରଖିଥିବ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ହେଲା। ଆଉ କଣ ଥାଏ, ଗଲଗି ପିଣ୍ଡ ଥାଏ ହେଲା, ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଅଛି, ଗଲଗି ପିଣ୍ଡ ଅଛି, ରାଇବୋଜୋମ ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଦାନା ଭଳିଆ ତୁମେ ଦେଖୁଛ ହେଲା, ଦାନା ଭଳିଆ ଯୋଉ ଦେଖିପାରୁଛ ସେଟା ହଉଛି ତମର ରାଇବୋଜୋମ। ଆଉ ଏଇ ଅଂଶଟା ହଉଛି ତମର ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ, ଗ୍ରୀନ ଅଂଶ, ଏଇ ଗ୍ରୀନ ଅଂଶଟା ହଉଛି ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ ଯାହାକି ନ୍ୟଷ୍ଟି ସହିତ ଲାଗିକିରି ଥାଏ ଆଉ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବିସ୍ତୃତ ହେଇକିରି ଥାଏ। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ତମର ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମରେ ଦାନା ଦାନା ଭଳିଆ ଯୋଉ ଲାଗିକି ଅଛି ସେଟା ହଉଛି ରାଇବୋଜୋମ। ଆଉ ଗୋଟେ କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ହଉଛି ଲାଇସୋଜୋମ ହେଲା, ଲାଇସୋଜୋମ ବି
कोष भितर थाए प्राणी कोष बेसी थाए उद्भिद कोष कम थाए पे एटा हूँ माइटोकोंड्रिया माइटोकोंड्रिया गठन केमती है प्रथम देखा पे माइटोकोंड्रिया दुईट स्तर विशिष्ट अटे देख एटा दुईट स्तर गोटे बाह्य स्तर आ गोटे अंत स्तर है अंत स्तर एटा बाह्य स्तर एटा अंत स्तर तो बाह्य स्तर टा केमती थाए पे चिकण थाए बाह्य स्तर केमती थाए छिद्रयुक्त थाए चिकण थाए ओ नमनीय थाए किंतु ए अंत स्तर टा देख केमती भीतर को आंगुठी भलिया पसिकिरी अच्छी हला आंगुठी भलिया एमती आंगुठी भलिया से कोन कहतो भीतर को पसिकिरी थाए तो ताकू कहंती क्रिस्टा एहा को कहंती क्रिस्टा हला आई मध्यवर्ती जो स्थान अच्छी ताकू कहंती आधार यार मध्यवर्ती स्थान को कहंती आधार तो दुईट स्तर अच्छी बाह्य स्तर चिकण थाए नमनीय थाए छिद्रयुक्त थाए द्वितीय स्तर आंगुठी भलिया भीतर को पशी कि थाए ताकू कहंती क्रिस्टा आ मध्यवर्ती स्थान को कहंती आधार कार्य कौन करे ना माइटोकोंड्रिया कौन कार्य करे ना आमे जो खाद्य खाऊ से खाद्य अम्लजान द्वारा दहन हुए कौटी माइटोकोंड्रिया रे माइटोकोंड्रिया रे अम्लजान द्वारा आम खाद्य दहन है से शक्ति उत्पन्न हुए से कोषर शक्ति केन्द्र कहते जमी हीराकुद डैम देखी थो हीराकुद डैम रे कौन हुए हीराकुद डैम रे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुए तो पावर हाउस कहते पावर हाउस इलेक्ट्रिसिटी रही एटा तो जगह भी शक्ति उत्पन्न हो हला अम्लजान द्वारा खाद्य दहन हो शक्ति उत्पन्न हो तो एटा भी कौन कोषर पावर हाउस यहाँ को कहा जाए कोषर पावर हाउस कोषर शक्ति केन्द्र आ जो शक्ति उत्पन्न हुए सेटा एटीपी आकार में संचित होती थाए से तुम्हें क्लास नाइन जिते बेले सेकेंड चैप्टर पढ़ जीव कोष यार संगठन से डिटेल तुम्हें पढ़ा तो यहाँ हूँ तुम पावर हाउस अफ द सेल बा कोषर शक्ति केन्द्र कहीं शक्ति उत्पन्न हुए खाद्यर दहन होगी नेक्स्ट है गल्गी पिंड एटा हूँ तुम गल्गी पिंड केमती अच्छी देख चक्राकार थी सदृश चेप्टा नली सदृश जोटा गोटे उपरे आ गोटे गोटे उपरे आ गोटे थाक अच्छा हूँ गल्गी पिंड एम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सहित तो संयुक्त हो दरकारी पदार्थर आदान प्रदान करती काम है कार्य है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सहित तो मिसी दरकारी पदार्थर आदान प्रदान करती नेक्स्ट है तुम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहले कौन पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी गोटे झिलियावृत अंगिका अटे जोटा न्यष्टि सहित लगी थाए कोष झिल्ली पर्यंत विस्तृत होए मान न्यष्टि आरंभ होष झिल्ली पर्यंत से विस्तृत होकरी थाए न्यष्टि आवरण संयुक्त हो कोष झिल्ली पर्यंत यह विस्तृत होए आई दुई प्रकार अच्छी गोटे है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बा अमसृण अमसृण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गोटे है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बा मसृण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है कहीं मसृण कहीं राइबोजोम न थाए आ राइबोजोम लगिक था देख ए जगह राइबोजोम लगिक अच्छी है तो सेटा टिके दाना युक्त राइबोजोम टा दाना सदृश लागिकिरी थाए तो सेटा टिके खदड़िया बा अमसृण ही थाए तेणु एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहंती तमरो अमसृण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गोटे हूँ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो राइबोजोम तुम्हें पाइब ना से स्मूथ बा मसृण अटे यार काम कौन यह कोष झिल्ली निर्माण में साहय कै एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोष झिल्ली निर्माण में साहय कै आमे जो खाई औषध है विभिन्न दूषित पदार्थ गुड़िक जो शरीर कोष से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विपाक घटे थाए नेक्स्ट है राइबोजोम राइबोजोम तुम्हें देख लो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सहित राइबोजोम लगिकी थाए कौ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सहित अमसृण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सहित किंबा सेटा मुक्त भाव रे भी थाए ला मुक्त भाव रे भी कोष जीव करे थाए किंबा ग्रुप हिसाब से कतोटी जोड़ी होकर पोलीजोम्स कहती है तुम्हें हायर क्लास रे पढ़ तो राइबोजोम पिला माने
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सहित लागी थाए कि मुक्त भाव में भी कोष जीवक तुम देखा पाइब यह कमी देखा जाए दाना सदृश देखा जाए अमसृण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सहित मिसी कि मुक्त भाव में कोष जीवक थाए यार मुख्य काम है पुष्टि सार संश्लेषण करवा कोषरे पुष्टि सार संश्लेषण करिवार काम बा दायित्व होची राइबोजोम रो हैना। नेक्स्ट ला लाइसोजोम ना लाइसोजोम लाइसोजोम गोटे अंगिका जो अंगिका झिल्ली द्वारा आवृत प्राणी कोषरे बेसी देखिबा को मिले उद्भिद कोषरे टिके कम थाए। लाइसोजोम रो काम होची तमरो सेता भितरे गोटे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम थाए ना एंजाइम गुड़ी का कौन करे ना जो कोष गुड़ा क्षत हो जाए रुग्ण हो जाए से क्षत बा रुग्ण कोष गुड़ी को पचन करिवारे से एंजाइम टी सहाय करे तो सेटा कोठी थाए लाइसोजोम भितरे थाए। तो लाइसोजोम भितरे जते बेले से एंजाइम थाए आ जते बेले कोनोसी क्षत बा रुग्ण कोष ता पाख को आसे ता सहित एंती लागी जाए संस्पर्श रे आसे हेले से जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम लाइटिक एंजाइम से कौन हुए लाइसोजोम रु बाहरी से कोष को चली जाए रुग्ण बा क्षतिग्रस्त कोष को आ से कोषर कौन हुए पचन घटे थाए। तेणु लाइसोजोम को पाचक थली कहा जाए कोषर पाचक थली कहा जाए कहीं रुग्ण क्षतिग्रस्त कोष गुड़िक से पाचन करी थाए। नेक्स्ट है तुम यह आत्मघाती थली भी कहा जाए कहीं आत्मघाती थली कहा जाए ना बेले बेले कोष भितर कौन हुए लाइसोजोम ता बाय चांस जदि माने फाटी गला हेले से जो तार भितर जो लाइटिक बा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम अछि सेटा कोन हबो बाहरी जीव बाहरी केरी कोष जीव को भितर जीव कोष जीव करे आउ अंगिका माने भी अछंती तो से लाइटिक एंजाइम कोन करबो बाकी अंगिका मान को भी से पचन कर दबो एंती हे केरी पूरा कोषटा नष्ट हो जाए सेथि पई कोन कहंती ताको आत्मघाती थली भी पिला मैंने नेक्स्ट पढ़ा रसधानी कहले कौन है तम घरे समस्ते डस्टबिन रखी थी डस्टबिन में कौन कराए आवर्जना आम घरे जितकी भी आवर्जना थाए कि विद्यालय भी डस्टबिन थाए विद्यालय जो आवर्जना आसे बाहरी थाए सब आम डस्टबिन रे पकई था डिस्पोजाल पठे था ला? तो ये जो डस्टबिन ता हूँ आवर्जनार कलेक्शन करने गोटे पात्र है ठीक से कोष जो वेस्ट मटेरियल बा अदरकारी पदार्थ बाहर आवर्जना बाहर सेटा कौटी संग्रह होती भी गोटे अंगिका अच्छे से रसधानी है मान रसधानी गोटे कोष से डस्टबिन भलिया कार्य करी थाए। तो जो थे तुम देखिबो एटा होची तुम गोटे प्राणी कोष आ एटा उद्भिद कोष है प्राणी कोष रे भी रसधानी थाए किंतु देखिए देख प्राणी कोष रे किंतु छोटो छोटो रसधानी अछि हला आ उद्भिद कोष रे बहुत बड़ रसधानी अछि। उद्भिद कोष रे रसधानी बड़ थाए प्राणी कोष रे रसधानी छोटो थाए हला। तो आ ए रसधानी प्राणी कोष रे प्राय देखिबो तुम्हें एक कोशी जीव जेंति एमीबा पारामेसियम एमानक थारे बेसी देखिबा को मिले हला। आ उद्भिद सब उद्भिद मानक थारे रसधानी थाए जो थे कि जल और अन्यान्य जिनस दरकारी जिनस भी से स्टोर होकरी संग्रह होकरी थाए हला। तो एमी बारे पिला माने जो रसधानी थाए सीटा दुई प्रकार रसधानी थाए गोटे हला खाद्य निधानी छोट छोट खाद्य निधानी थाए जो थे से खाद्य संग्रह करे आ गोटे हला संकोचिकी धानी रे बर्ज्य वस्तु एमोनिया परि गैस एगुड़ाक सब जो बर्ज्य वस्तु गुड़ाक सब एटा होची तमरो संकोचिकी धानी से संकोचिकी धानी रे जाईकरी कोन हुए संग्रह हुए आ संकोचिकी धानीटा माने एंती बेलून परिया फुले ना जति के बेसी बर्ज्य वस्तु सेथिरे जमा होतबा सेटा फुली फुली दिबो आ शेषरे कोन हबो फुली फुली जते बेले से कोष झिल्ली रो संस्पर्श रे आसिबो कोष झिल्ली को जते स्पर्श करिबो सेटा फाटी जिबो आ सेथिरु कोन हबो सब बर्ज्य वस्तु बाहर को बाहरी जाए ना। तापरे अमीबा तारो नॉर्मल अवस्था को से आसी जाए तार पूर्वावस्था को से तार फेरी आसे हला। तो एही परि दुई प्रकार रो एमीबा कोषरे रसधानी देखा जाए गोटे खाद्य निधानी आ गोटे हला संकोचिकी धानी हला। खाद्य निधानी खाद्य संग्रह पई एवं संकोचिकी धानी बर्ज्य वस्तु संग्रह पई उद्दिष्ट थाए। नेक्स्ट हला लवक पिला माने तुम्हें गोटे वृक्षर विभिन्न अंश देखिथिबो पत्र थाए वृक्ष रे हला
फल थाए फूल भी थाए कांड भी अच्छी चेर थाए एगुड़ा कहूँ तुम गोटे गचर विभिन्न अंश तो ये गचर विभिन्न अंश रु तुम देखि पत्र गुड़िक कमी देखा जाए सबुज देखा जाए पत्र गुड़िक सबुज देखा जाए कहीं सबुज देखा जाए फूल फल एगुड़ाक विभिन्न बर्णर देखा जाए विभिन्न गचरे विभिन्न बर्णर थाए विभिन्न रंगन रंगीन अंश से फूल फलटा हूँ रंगीन अंश गचर आउ पत्रा हूँ सबुज अंश तो पत्र कौन अच्छी जैसे सबुज देखा जाए एमती कौन अच्छी पत्र जैसे सबुज देखा जाए पे पत्र अच्छी हरित लवक पत्र अच्छी हरित लवक फल फूल भी लवक अच्छा से तुम बर्ण लवक बा क्रोमोप्लास्ट है हरित लवक बा क्लोरोप्लास्ट पत्र थाए हरित मान कौन हरित मान हूँ सबुज हला तो यही हरित लवक यही पत्र अच्छी आ हरित लवक भितर सबुज कण थो पत्र रंगटा कमी देखा जाए सबुज देखा जाए तो सबुज अंश हूँ पत्र जो थे हरित लवक थाए हरित लवक को आउ कौन कहती क्लोरोप्लास्ट भी कहती है तो हरित लवक कार्य कण से जो सबुज कण अच्छी है हरित कण अच्छी से कौन कर सूर्यालोक शक्ति को से ग्रहण कर आलोक श्लेषण से साय कर आलोक श्लेषण मान खाद्य तैयारी कर तुम्हें जान पत्र को उद्भिदर रोसई घर कहती कहीं ना पत्र ही आलोक श्लेषण हुई खाद्य तैयारी हुए से आलोक श्लेषण करने कौन दरकार सबुज कण थी निहाती दरकार आटा कौटी था पत्र थाए जोटा कि सूर्यालोक रु शक्ति संग्रह करें आउ रंगीन अंश तुम जान गचर रंगीन अंश हूँ फूल और पत्र सॉरी फल तो फूल और फल कहीं रंगीन देखा जाए पे कहीं से बर्ण लवक थाए विभिन्न बर्ण लवक अच्छी जोटा कि तुम्हारा जमी गाजर देखिए ऑरेंज कलर देखा जाए कहीं गाजर में गोटे केरोटीन नामक बर्ण लवक अच्छी फल दि जो देखा जाथोफिल अच्छी ना तो यहीपरी रंगीन जो बर्णकणिका गुड़ाक जो थे था बर्ण लवक आ बर्ण लवक कौटी थाए रंगीन अंश उद्भिदर रंगीन अंश जमी फूल और फल थाए बर्णहीन अंश तुम उद्भिदर बर्णहीन अंश हूँ कांड और चेर है से मैंने कौन कहती उद्भिद जो खाद्य तैयारी कला आलोक श्लेषण प्रक्रिया से स्टोर हो मंडद आकार मंडद होंड और चेर से जमा स्टोर रहे आती कौन थाए से थाए श्वेत लवक ल्यूकोप्लास्ट है तो लवक तुम्हें पढ़ल लवक केते प्रकार अच्छी लवक तीन प्रकार अच्छी हरित लवक बर्ण लवक एवं श्वेत लवक हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट कहती बर्ण लवक को क्रोमोप्लास्ट कहती श्वेत लवक को कहती ल्यूकोप्लास्ट है लवक केवल कौ कोष रे थाए उद्भिद कोष रे थाए प्राणी कोष रे देखा जाए ना लवक नेक्स्ट है न्यष्टि विषय टे पढ़ा न्यष्टि पे जमी मुझी न्यष्टि हूँ कोषर गोटे मुख्य अंश जमी आम शरीर में ब्रेन हूँ सब कार्य को शरीर समस्त अंगर कार्य को नियंत्रण करे ब्रेन बा मस्तिष्क ठीक से कोषर समस्त कार्य को नियंत्रण करें न्यष्टि आ न्यष्टि पे प्राणी कोष रे केन्द्र थाए प्राणी कोष रे न्यष्टि कौटी अच्छी केन्द्र अच्छी किंतु उद्भिद कोष रे न्यष्टि टिके साइड रे थाए कहीं ना ए जगह रे रसधानी एत बड़ थाए उद्भिद कोष रे रसधानी बड़ थाए प्राणी कोष रे तो छोट छोट रसधानी तो उद्भिद कोष रे रसधानी एत बड़ थाए से न्यष्टि को कौन करे गोटे साइड को ठेली दिए से गोटे साइड रे देखिबो न्यष्टि थिबो किंतु प्राणी कोष रे न्यष्टि कोठी थाए केन्द्र रे थाए आ न्यष्टि रो विभिन्न अंश गुड़ाक जदि देखिबा पिला माने न्यष्टि दुई स्तर विशिष्ट अटे एमती न्यष्टि एटा दुईट स्तर एटा बाह्य स्तर एटा अंत स्तर दुईट स्तर विशिष्ट भितर गोटे निन्यष्टि थाए एटा हूँ न्यष्टि स्तर एटा हूँ न्यष्टि रंध्र रंध्र युक्त न्यष्टि झिल्लीटा एटा न्यष्टि स्तर बा न्यष्टि झिल्लीटा हूँ रंध्र युक्त तेणु यहाँ न्यष्टि रंध्र भी कहती एटा हूँ निन्यष्टि न्यष्टि भितरे जो रस थाए ताकू कहती न्यष्टि रस
आउ सूता भलिया किछि देखिबाकु पाइबो नेस्टी भितरे एथि तमे देखुतिबो सूता भलिया किछि जिंस ए जागा मानकु हला सेटा होछि गुणसूत्र गुणसूत्र हला आउ ए गुणसूत्र कोन करे जीन बहन करे गुणसूत्र जीन बहन करे गुणसूत्र रु तमे नाम रु हि जानि पर्थिबो गुणसूत्र माने गोटिए वंश रु आउ गोटिए वंश कु कोन करे गुण कु बहन करिकिरि निए जेंति तमे देखी थो गोटे छुआटे जन्म है समस्त कहते हाँ बापा पी देखा माँ पी देखा तार नाक एमती अच्छी बापा पी अच्छी बेले बेले अजाई मान सहित भी कंपेयर कर दिखती तो कहीं हुए ना गोटे वंश रु आ गोटे वंश को गुण बहन करे के जो जीन है जीन हूँ गुणसूत्र थाए जीन है तो न्यष्टि मध्य जो गोलाकर अंश अच्छी कहती नि न्यष्टि यहाँ हूँ नि न्यष्टि है नष्टी मध्य सूता भलिया अंश को कौन कहती गुणसूत्र कहती सूता भलिया जो देखु गुणसूत्र गुणसूत्र जीन बहन करे आ जीन हूँ वंशगतिर एकक गोटे वंश रु आ गोटे वंश को जो गुण बहन करे निए जीन है पा मैंने नष्टी को आधार करम कोष को दुई भाग में विभक्त करोष गुड़ी को दुई भाग में विभक्त करोटे प्राक नियष्टीय कोष आ गोटे है सुनिष्टीय कोष क्लास एट्रे भी पढ़ी प्राक नियष्टीय कोष और सुनिष्टीय कोष प्राक नियष्टीय कोष मान पुरा जो आगुरी प्राक नियष्टीय कोष एट नुआ ट्रु नियष्टी दे थाए से सुनिष्टीय कोष एटा देख गोटे चित्र अच्छी एटा हूँ बीजाणुर कोषर चित्र आ गोटे कोष अच्छी है जेटा प्राणीर कोष तो पिला मैंने तुम्हें देखी थी देखा पाइब एटी गोटे सूता भलिया जिनस अच्छी जोटा बहुत मानते घूर अच्छी घूरी घूरी कर गोटे राउंड एटा हूँ डीएनए तार जेनेटिक मटेरियल तार डीएनए हूँ एटा जोटा पूरा एमती राउंड होना डीएनए कहले कौन डीएनए हूँ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड पिला मैंने से तुम्हें जिते बेले चैप्टर टू पढ़ी जिते बेले डिटेल पढ़ी है तो एटा डीएनए बा जो आमर जो गुणसूत्र जमी गुण बहन करे ए जगार एटा हूँ तार गुण जो निए डीएनए यहाँ न्यूक्लियोइड भी कहती आटा केमती थाए सुसंगठित न थाए एम जालक भलिया जाली भलिया थाए डीएनए टा किंतु आम जो उच्च प्राणी किंबा उद्भिद मान कोष जो थाए गुणसूत्र जो डीएनए थाए से पूरा न्यष्टी जो थाए से पूरा सुसंगठित न्यष्टी ए न्यष्टी टा पूरा जालक भलिया थाए यार न्यष्टी केमती थाए जालक पर थाए ला किंतु आमर जो सुनिष्टीय कोष रे न्यष्टी पूरा माने सुसंगठित थाए यार कौन सी न्यष्टी रे कौन सी न्यष्टी झिल्ली न थाए किंतु यार न्यष्टी न्यष्टी झिल्ली द्वारा पूरा आवृत होकर थाए हला आउ कौन सी झिल्ली युक्त कोष अंगिका प्राक न्यष्टीय कोष रे न थाए झिल्ली युक्त कोष अंगिका माने माइटोकॉन्ड्रिया लाइसोजोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एगुड़ाक जो उन्नत उच्च प्राणी और उद्भिद मान कोष से तुम्हें देखा पाइब से प्राक नष्टीय कोष से न थाए प्राक नष्टीय कोष से तुम्हें चित्र भी देख जदि हेले तुम्हें माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट सब किसी पाइब ना कि थाए उच्च श्रेणी प्राणी उद्भिद कोष से झिल्ली युक्त अंगिका गुड़ाक थाए माइटोकॉन्ड्रिया गल्गीपिंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने थाए न्यष्टी झिल्ली न थाए एठारे न्यष्टी गोटे जालक भलिया अच्छी तो न्यष्टी झिल्ली एठारे नाही एठारे न्यष्टी टा सुसंगठित अटे न्यष्टी दुईटी न्यष्टी झिल्ली द्वारा आवृत दुई स्तर विशिष्ट न्यष्टी झिल्ली द्वारा आवृत होकर थाए ला एठारे गोटे मात्र गोलाकार डीएनए थाए ला किंतु एठारे एकाधिक रैखिक डीएनए थाए जोटा कि क्रोमोजोम भितर संगठित होकर थाए आठारे तो क्रोमोजोम न थाए ना यही प्राक न्यष्टीय कोष रे क्रोमोजोम न थाए बीजाणु कोष नीलहरित शैवाल मान हूँ प्राक न्यष्टीय कोषर उदाहरण आउ सुनिष्टीय कोष सब उच्च श्रेणी प्राणी और उद्भिद मान कोष सुनिष्टीय कोष अटे एवं पिला मैंने उद्भिद कोष और प्राणी कोषर कौन पार्थक्य आम जो पढ़ले कौन पार्थक्य आम जापर कोष झेली उद्भिद कोष से अच्छी प्राणी कोष से अच्छी उभय कोष से अच्छी कि केवल प्राणी कोष से अच्छी तो आम देखा देख जो कोष झिल्ली ना भीतर अंश रे कोष झिल्ली अच्छी यार भी कोष झिल्ली अच्छी है
कोष झिल्ली उभय कोषरे था उद्भिद कोषरे भी थाए ओ प्राणी कोषरे भी थाए किंतु कोष भित्ति माने कोष झिल्ली ऊपर आ गुटे स्तर अछि ला से स्तरटा एई कोषरे नाही प्राणी कोषरे नाही हला उद्भिद कोषरे कोष झिल्ली ऊपर आ गुटे स्तर थाए तीन स्तर विशिष्ट कोष भित्ति थाए जोटा कि प्राणी कोषरे न थाए तो कोष भित्ति उद्भिद कोषरे थाए किंतु प्राणी कोषरे न थाए हला ठीक से परि न्यष्टि न्यष्टि उभय कोषरे अछि उद्भिद कोषरे भी अछि प्राणी कोषरे भी अछि किंतु उद्भिद कोषरे देखो गुटे साइड को चली जाय छि जेहेतु ए जगह रे रस धानीटा बहुत बड़ थाए उद्भिद कोषरे तो सेटा ठेली दिए न्यष्टि को तो सेटा गुटे साइड को चली जाय आ ए जगह रे देखो तुम्हारा न्यष्टि केंद्र रे अछि ना न्यष्टि केंद्र रे अछि तो न्यष्टि उभय कोषरे थाए न्यष्टि झिल्ली न्यष्टि झिल्ली न्यष्टि द्वारा जो न्यष्टिटा जो झिल्ली द्वारा आवृत होइकि थाए ताकू कहंती न्यष्टि झिल्ली जोटा उभय कोषरे थाए तापरे कोष जीवक माने जो तरल पदार्थ जेली भलिया पदार्थ न्यष्टि एवं कोष झिल्ली मध्यरे थाए भासमान अवस्था रे थाए ता तुम्हार उद्भिद कोषरे भी थाए एवं प्राणी कोषरे भी थाए उभय कोषरे थाए लवक लवक तीन प्रकार आम पढ़ले हरित लवक जोटा पत्र उद्भिदर वर्ण लवक फूल और फल जोटा रंगीन करे एवं श्वेत लवक जोटा कांड चेर थाए तो यही लवक केवल आम उद्भिद कोषरे देखा पाइबा प्राणी कोषरे लवक नहीं उद्भिद कोषरे लवक अच्छी प्राणी कोषरे लवक नहीं है रसधानी उभय कोषरे थाए प्राणी कोषरे छोट छोट रसधने थाए सेटा भी एमिबा पर केतेक जो एक कोशी जीव मानन को शरीर रे तुमे रसधानी देखिबा को पाइबो प्राणी कोषरे भी थाए हला किंतु बहुत छोट थाए आ उद्भिद कोषरे रसधानी बड़ थाए रसधानी उभय कोषरे थाए ए जगह रे रसधानी बहुत बड़ थाए ए जगह रे छोट रसधानी थाए सेंट्रोजोम हला सेंट्रोजोम गुटिए पिला माने गुटिए अंग अंगिका जोटा कि केवल प्राणी कोषरे थाए उद्भिद कोषरे न थाए आउ ए सेंट्रोजोम जेते बेले कोष विभाजन हबो सेते बेले ए सेंट्रोजोम तार कार्य करि थाए हला तो सेई तब एई जो अंगिका गुडा को आज आमे पढिले सेटा तुमे चैप्टर 2 रे जेते बेले तुमर साइंस पढा हबो चैप्टर 2 रे जीव कोष एहार संगठन या को तुमे डिटेल भाबरे पढि पारिबो हला बुझि पारिबो आउ पिला माने एटा होजी तुमर गृह कार्य हला एहा अगर मु आ गोटे जिनस कहिबा को चाहिबी साइटोप्लाज्म बा कोष जीवक आउ प्रोटोप्लाज्म इटा होची साइटोप्लाज्म इंग्लिश रे आगु साइटोप्लाज्म कहंती आ गोटे हला प्रोटोप्लाज्म जहा को आदि प्ररस कहा जाए हला तो ए कोष जीवक ए आदि प्रसर पार्थक्य कौन अच्छी पे मैंने जो न्यष्टि आउ कोष झिल्ली मध्य जो तरल अर्ध तरल पदार्थ तुम देखा पाइल से तुम कोष जीवक है आदि प्रसर प्ररस आदि प्ररस प्रोटोप्लाज्म कहले कोष जीवक और न्यष्टि उभय को मिसाई कह जाए कोष जीवक और न्यष्टि उभय मिसी तुम आदि प्रसर बा प्रोटोप्लाज्म गठित होई थे ना एटा पिला माने तमरो गृह कार्य लेखिकिरी रख आ करिबो आ तमरो साइंस टीचर मन को देखैबो पिला माने तुमे जो क्लास 8 रे जहा पढिलो कोस एवं क्लास 9 रे जहा पढिबा को जाउ छ मु भाबु छी क्लास 9 रे जते बेले तुमे जीव कोस पढिबो आजि क्लास ता निहाती तुमको इफेक्टिव हबो जहाँ भी पढ़ल किसी अंश तुम जहाँ पढ़ी नथिलो क्लास 8 रे सेटा भी आज डिस्कशन हला सेटा क्लास 9 रे जाई कि तुम सेकंड चैप्टर रे पढ़िबो तेले मु भाबु छी तुमको किछि बुझिबा पई असुविधा हबो नाही ना तो समस्त ध्यान देकि सुनिथिलो क्लास टी को देखिलो सेति पई समस्तन को बहुत बहुत धन्यवाद।